फाइनली देसी मार्वल आ चुका है। जी हाँ, रोहित शेट्टी का देसी मार्वल का ट्रेलर हो चुका है लॉन्च। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त निजू और स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट चैनल इंडिया यो में। तो जी हाँ, आपको बता दें कि रोहित शेट्टी हमेशा एक्शन पैक फिल्म बनाते हैं और उनकी फिल्में हो भी क्यों नहीं है, जब भी उनकी फिल्में आती है ना तो गाड़ियों का तोड़ फोड़ का जमाना तो रहता ही रहता है। और उसी तरीके से एक बार फिर से सूर्यवंशी का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। जी आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। ट्रेलर की बात करें तो जहां अक्षय कुमार एक बार फिर से अपने पुलिसिया अंदाज में नजर आ रहे हैं, ये एकदम तड़कता भड़कता नजर आ रहा है। और रोहित शेट्टी का तो जवाब ही नहीं, खास करके एंट्री पे एंट्री हो, मतलब ट्रेलर देखने से ये पता चल रहा है ना कि फुल ऑन देसी मार्वल, जैसे हॉलीवुड में वो मार्वल वाली स्टोरी होती है ना, उसी तरीके से ना ये कहीं ना इसको एवेंचर कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। मतलब ट्रेलर में अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह अपना मूछों वाला एकदम भायो भाव वाला कैरेक्टर जबरदस्त है। मतलब ट्रेलर देखने से लग रहा है ना कि हाँ यार, अक्षय कुमार ने क्या एक्टिंग किया है। और साथ ही साथ जो कॉमेडी पंचेस है ना, जबरदस्त है। खास करके इसमें साफ ही सीधी कर दिया गया, अबे तू हेल गाड़ियां घुमा के क्यों आ रहा है, तो अजय देवगन का डायलॉग है, अबे तू हेलीकॉप्टर से उलट के क्यों आ रहा है। मतलब एंट्री पे एंट्री है ना, तीनों की स्टार की एंट्री जबरदस्त दिखाई गई, जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। कैटरीना कैफ की बात करते हैं, कैटरीना कैफ गजब। एक बार फिर से कैटरीना कैफ ने ना जो लुक कहर डाली है ना अपने अंदाज से, जो माशाल्लाह क्या बात है, जितने तारीफ की कम किया जाए। लेकिन मतलब ट्रेलर से देखने से यही पता चल रहा है कि यार 24 मार्च को ना पूरे इंडिया में ना बवाल मचने वाला है, क्योंकि 24 मार्च को ये पूरे इंडिया में एक साथ रिलीज होने वाली है। और रिलीज होते ही ना ये बॉक्स ऑफिस पर तो मुझे लगता है इस बार 300 करोड़ तो पार होने वाला है। 300 करोड़ यार जाहिर सी बात है, मल्टी स्टार फिल्म और रोहित शेट्टी का जोरदार एक्शन तो फुल और मजेदार होने वाला है। तो ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है ना यार, तो जाओ फटाफट रिलायंस एंटरटेनमेंट के चैनल है ना यूट्यूब ऑफिशियली, उस पर जाके देखो यार। और जिन लोगों ने ट्रेलर को देख लिया है ना, वो कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको अक्षय का एक्शन पार्ट अच्छा लग रहा है या फिर अजय देवगन या फिर रणवीर का, तीनों में से एक्शन पार्ट आपको किसका सबसे ज्यादा पसंद लग रहा है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक यू।